हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर जैकेट बनाएंगे ए नेट फैब्रिक से। देखो, ये मेरे पास डिज़ाइनर नेट वाइट कलर का है। ये मेरे पास 2 मीटर जितना है, हमें उतना इसमें नहीं चाहिए। देखो, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इस जैकेट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। देखो, ये लेंथ वाइज 2 मीटर है, पर इसकी वेथ ज़्यादा नहीं है, नेट में इतना सही आती है। देखो, ऐसे मैंने 2 फोल्ड कर दिया है कपड़े को। फिर देखो, ये इसकी वेथ है कपड़े की, उतनी ही हमें नेट ये टॉप बनाने में, जैकेट बनाने में चाहिए। तो 25 इंच है और ऊपर से भी 25। इसकी लेंथ और चौड़ाई दोनों हम 25 इंच लेंगे। देखो, ऐसे 25 इंच पे पॉइंट करके इतना हम काट के अलग कर देंगे। तो देखो, इस जैकेट की 25 इंच लेंथ है और इसकी चौड़ाई भी हमने 25 इंच ही दी है, क्योंकि नीचे से हमें इस चौड़ा चाहिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। देखो ऐसे, फिर दोनों कपड़े को हम ऐसे 2 फोल्ड कर देंगे। फिर हम 7 इंच पे ऐसे नेक और शोल्डर मिला के 7 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। फिर नीचे आर्म होल पे एक 7 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। फिर हम 11 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। देखो, ये हमारा फैब्रिक 11 इंच। देखो, ऐसे बॉक्स बना देंगे और देखो ऐसे राउंड शेप बना देंगे आर्म होल के लिए। इसकी कमर का नाप हम हमारे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 9 इंच पे एक पॉइंट लगाया है और एक 10 इंच पे सीम अलाउंस 1 इंच का रख के फिर हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। फिर नेक पे मैंने ऐसे 3.5 इंच पे पॉइंट लगाया है और नीचे भी हम 3.25 इंच जितना लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके उसमें भी एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। इसमें भी हम ये आगे का है राउंड शेप बनाना है नेक, तो ये आगे का नेक मैंने काट ड्रॉ कर दिया है और ये आर्म होल कट गए और ये साइड में से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। फिर नीचे हमें जो पैटर्न बनाने हैं इसके लिए, देखो ऐसे हम राउंड शेप दे देंगे नीचे से। ये मैंने अंदाजे से किया है, आप चाहो तो नीचे से 3 इंच जितना ऊपर एक पॉइंट लगा के राउंड शेप दे देंगे ऐसे। देखो ऐसे राउंड शेप नीचे से हो गया, हमारी पैटर्न बन गई। फिर हम पीछे का भाग अलग करके, देखो आगे का भाग ऐसे ही रखेंगे और नेक काट देंगे। देखो, ये हमने राउंड शेप बनाया है वो हम ऐसे काट देंगे। देखो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो, ये नीचे का डिज़ाइन है और ये आगे का और ये पीछे का भाग। देखो, ये हमारा जैकेट कट गया है। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखो, ये आगे का भाग है और हम पहले नेक बनाएंगे। देखो, इसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने आर्म होल कट किए है उसको जॉइंट करके ऐसे मैंने बना दिया है। आप चाहो तो इसे वाइट कलर का एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले सकते हो। देखो, ये नीचे वो कपड़ा है वो सीता है, इसके ऊपर उल्टा टॉप रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर जाएगा तो वो सीधा आएगा और हमारा नेक भी सीधा बन जाएगा, टॉप हमारा ऊपर सीधा आएगा और ये फैब्रिक अंदर चला जाएगा। देखो, ऐसे जिससे हमने कटिंग किया है उसी हिसाब से मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देंगे राउंड में। देखो, ऐसे कटिंग कर लिए है। फिर नेट का
का फैब्रिक है तो इसमें कट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, इसको हम अंदर की साइड ऐसे ही हैंग कर देंगे। देखो ऐसे राउंड शेप में ही ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे और अंदर की साइड हम हैंग करते जाएंगे ऐसे, तो अच्छे से हमारा गला बैठ जाएगा। अब दूसरा कपड़ा इसमें चाहो तो रख सकते हो वाइट कलर का नेक बनाने के लिए। देखो ऐसे हमारा नेक बन गया है। फिर ये पीछे का भाग है, देखो इसके ऊपर हम अपने आगे का पार्ट बनाया वो इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर अच्छे से मैच करेंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। देखो ऐसे अच्छे से सिलाई लगा के शोल्डर दोनों साइड अटैच कर देंगे हम। फिर देखो पीछे से हमें ऐसे ही अंदर की साइड हल्की सी पट्टी ही मोड़नी है। देखो ये अंदर की साइड ऐसे ही मैंने फोल्ड कर दिया है। आप चाहो तो इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही देखो ऐसे इसको ऐसे अंदर की साइड हल्की सी पट्टी मोड़ते हुए हल्का सा ऐसे पीछे अंदर की साइड मोड़ दिया है। देखो ये हो गया पीछे का। पीछे हम ऐसे सीधा ही रखेंगे। फिर हम आर्म होल देखेंगे। देखो ऐसे इसमें मैंने देखो ऐसे उसको भी अंदर की साइड ऐसे हैंग कर दिया है। ये नेट फैब्रिक है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया। आप चाहो तो एक्स्ट्रा दूसरा वाइट कलर का प्लेन फैब्रिक हो तो वो रख के इसमें भी नेक की तरह उल्टा रख के अंदर की साइड हैंग कर सकते हो। देखो ऐसे मैंने ऐसे ही दोनों साइड आर्म होल बना लिए। देखो ऐसे अंदर की साइड हैंग कर दिया है दोनों। बहुत ही इजी है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। और ये बनाने के बाद तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है और पहनने के बाद और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। देखो ऐसे हम साइड में से दोनों साइड पहले फिटिंग कर देंगे। तो फिटिंग हमें कैसे करना है, नीचे से हमें अंदर की साइड नहीं रखना है, वो थोड़ा लूज़ रखना है। तो बिल्कुल दोनों कपड़े को ऐसे मैच करके देखो यहाँ से ही हम सिलाई लगाएंगे। ये नीचे का पार्ट है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। फिर हमारे कमर का शेप जहाँ से आता है वहाँ से हम हल्का सा राउंड देते हुए अंदर इतना देखो सेम अलाउंस रखेंगे और नीचे यहाँ पे चेस्ट तक वैसे ही सिलाई लगा देंगे। आप अपना नाप लेके भी, अपने टॉप का नाप लेके भी ये फिटिंग कर सकते हैं। देखो ऐसे यहाँ पे भी हम इतना चेस्ट के लिए अंदर इतना नाप है मेरा और सीम अलाउंस के लिए इतना छोड़ के फिर हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे हम सीधी ऐसे क्रॉस में ही सिलाई लगा देंगे। देखो उसमें हम सीम अलाउंस के लिए छोड़ेंगे नहीं ज़्यादा कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और हमारा ये टॉप बनके तैयार हो गया है। देखो बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। और नीचे हमें हैंग करना है तो हैंग कर सकते हैं। और देखो ये मैंने बीच में से काट के दूसरी पैटर्न बनाई है। देखो ये बीच में से ही काटा है मैंने तो ये बहुत बढ़िया लुक देगा। देखो ऐसे बीच में से कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके दोनों साइड और ऐसे
लूप्स और बटन लगा दिया है, दोनों साइड हैंग कर दिया है और नीचे से भी मैंने देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके हैंग कर दिया है। देखो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ये ऐसे मैंने कटिंग कर ली है, वो ऐसे दिख रहा है। देखो ये बिना कटिंग का और ये कटिंग किया हुआ, दोनों जैकेट ऐसे दिख रहे हैं। थैंक यू।